में भांग का, भांग की चंडी का असर है। भांग की चंडी तैयार होने वाली है। देखो ना गाइस रोटी बहन फ्रेंड, वेलकम बैक टू मैनदर ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है राजी ब्लॉग में। फ्रेंड, आज के ब्लॉग में फिर से अपने कमरे से लेकर आया हूँ, जो कि मेरा कमरा है ना, वहाँ पर मैं कैसे रहता हूँ। आज मैं अपनी लाइफ स्टाइल दिखाऊंगा, किस तरीके से हम खान पीन करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो आज के जो मेरे खाने की उसमें स्पेशल डिशेज है, वो है मंडवे की रोटी और क्या होता है भांग का नमक जो होता है ना, वो टोटली जो है आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो हाँ, भाज ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरे साथ लक्की है। फिलहाल तो हम सोच रहे हैं कैसे वो बनेगी, क्योंकि आज तक हमने बनाई नहीं है, और कैसे कैसे वो भांग की चटनी भी बनेगी। तो आज यहाँ ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। जल्दी फटाफट चलता हूँ अपने कमरे की और देखते हैं क्या क्या होने वाला है। पूछ क्या, चूल्हा है क्या दुकान पे? क्या मैं चलूँ? चल मैं भी चल यार, उसे कहीं पे है दुकान तो चल जरा, मैं भी चल रहा। देवा भाई क्या हाल है? बढ़िया है। नमस्कार भैया, हम ब्लॉग बनाते फिर रहे। देखो आपके पास चूल्हा है? चूल्हा जिसमें, हाँ ये है तो ये वाला। अरे हमें ना मंडवे की रोटी सेकना है, सेकनी है और सीखना भी है। कितने का है ये वाला? ये सब चूल्हा है, 240 का पड़ेगा ना। हाँ। कहना चाह रहे कि मंडवे की रोटी चूल्हे की खाएंगे। हाँ। गैस की नहीं बननी। बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलो इसको उठा ले, 240 ना। हाँ ठीक है। हम ले आए हैं चूल्हा, यहाँ रखो चूल्हा। यहाँ पर बनाएंगे? हाँ ठीक है। यहाँ पर है लकड़ी का, कहाँ से लाएंगे, जुगाड़ करेंगे यार? वहाँ से, घर से। यहाँ से उठाएंगे लकड़ी, किसकी है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इनके इनके हैं क्या? इनसे मांगेंगे? मना कर दिया तो? मना नहीं करेंगे यार। लकड़ी चाहिए थी दो चार आग जलाने के लिए। लकड़ी लकड़ी आग जला रही हो? हाँ, ये लकड़ी आप ही की तो है। थोड़ी बहुत मिल जाएगी, दे देना फिर बाद में, दे देना बाद में, काम कर लो आप। तो बताओ ना गाइस, पहली बार जो है मंडवे की रोटी बनाई जा रही है इस रूम के अंदर, क्योंकि जो है इसमें कभी हमने चूल्हे में नहीं बनाई, लेकिन आज हमने सोचा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और कुछ यूनिक चीज़ सीखने को मिलेगी। तो लकी बहुत दिनों से कह रहा था मैं बना लूँगा बना लूँगा, मैंने कहा देखते हैं, बना लेगा नहीं। आज हमने कर दिया उद्घाटन चूल्हे का। चूल्हे का लकड़ी है इसकी जाती, जाती बोलते हुए इसको। हाँ पानी लो। आया आटा, मंडवे का आटा। अब बन गया आटा, ये हुई ना बात। अब ये है हमारा तवा, सबर इस पर रखा जाएगा। ओह जा, ये आह पन्नी को लाया, पन्नी क्यों लाया? पन्नी को बनाते हैं ना। हैं? अच्छी। ओ भाई, ये ओ भाई साहब, लकी ने बना दिया, गजब कर दिया बेटा। ये गाय हमारी फ्रेंड और ये बहुत बढ़िया रोटी होने वाली है। अब पलट दो, पलट दो। बहुत बात बात है, पकते हैं। पहली बार रोटी बन रही है साहब चूल्हे में, इसको अब कर दो। अच्छा यार टूटेगा? अरे मैं कर दूंगा, रुकना। ओ बेटा ये कच्ची लगी क्या? नहीं। हाँ ये भाई जो कह रहा है कि मैं स्पेशली चटनी बनाऊंगा सर आपके लिए, और ये पता नहीं कैसे बनाएगा। ये क्या चीज है? तुम पिलाना नहीं है? ये अच्छा होते। ये है भांग। ओ भाई, ये आज भांग की चटनी तैयार होने वाली है, और ये भांग पीस के लाया है पहले अपने घर से। और फिलहाल जो बनाता कैसा है वो चीज जरूर दिखाएंगे, कैसे क्या टेक्निक है इसकी बनाने की। ऐसे तो भाग भाग है भाई, ठंड में। और क्या पीस निकाला यार, प्याज हम चना कटेगी ऐसा प्याज। ये नमक डाल दिया इसमें, भांग की खाली भांग पीस रखा है, भांग के दाने होते हैं उसको पीसा है, उसको उसके पीसने के बाद अब ये मिर्ची, मिर्ची भाई मिर्ची तेज है, मात्रा हल्दी मत डालो, हल्दी मत डालो। और ये प्याज ऐसे डाल दी है इसके अंदर, चीनी ये निचोड़ते हैं पानी, ये और ये चीनी डाल दी है इसमें, चीनी डाल दी। तो गाइस इस तरीके से 2 मिनट में हमारी तैयार हो गई चटनी, कुछ मेहनत नहीं करी, बस वो उसको भांग को पीसना पड़ता है, उसमें चोको डाल दिया। अब तो मैं बना भी दूंगा इसको मेहनत। वाई वाई वाई, चलिए एक बार जी है, एक बार हां।
मजा नहीं आया। मोड़ा नमक मोड़ा सेम है थोड़ा नमक कम रह गया। तो राई की सब्जी बनाते हैं गाइस फ्रेंड, आप बताइए ना कि राई की सब्जी पहाड़ों में कितनी पौष्टिक और कितनी विटामिन और क्या क्या चीज़ें होता है वो सब आप जानते होंगे, लेकिन हम ये पहाड़ की राई खाते हैं और साथ इसकी चटनी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स सर्कल जो है हमारी जो है हरी सब्जी परस गई है, हमने परस दी है, परस दी मतलब हमने कर दी कढ़ाइया, देखो लोहे की कढ़ाई में हमने ये किसकी सब्जी थी बताओ बच्चों? राई। देखो ना गाइस रोटी भैया रोटी देखना, ओ भाई क्या बनाया ये इन्हें कोयले खा रहे हो, कोयले कच्ची पक्की रोटी मेरे हाथों की खाने में आया मजा मजा। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। अब देख कोई रोटी, ओए होए 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 बढ़िया तो है। देखिए गाइस ये रोटी ना मड़ुए की है, मैं देख ये आधा चांद। चलो कोई नहीं खाते यार मजा लेते हैं। कड़म दिखाऊंगा आपको कि आवाज़ सुनना आवाज़ कैसी आएगी इसमें खाने के बाद ना। देखिएगा हमने लिया थोड़ा पालक की सब्जी की है और हम इसको ऐसे मड़ाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। आवाज़ देखो ना आवाज़ आई ना भाई, ये रोटी बनाई इन्होंने तो गाइस जल्दी से जो है खाना खा लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं बाद में खाने के बाद। बाय। बताओ ना गाइस जो हमने जो भांग की चटनी खाई ना बड़ा ही मजा आ गया कसम से। और वो वाला मजा ना देखना चाहोगे ना भांग की चटनी खाने के बाद कैसा होता है, तो वो इसको देखो। देख लो ये हो रहे भांग के बाद भांग की चटनी का असर देख रहे हो उसको। नहीं तो रुको जरा सबर करो। देख देखो फ्रेंड देखो ये भांग का भांग की चटनी का असर है। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ यार मर गए सही है। भांग की चटनी चढ़ाया आज प्रूफ हो गया, आज तो वास्तव में प्रूफ हो गई थी। देख के ये बोल भी रहा था ज्यादा और बोल भी रहा था नहीं हाँ। बहुत ज्यादा बोल रहा था क्यों क्यों तूने ज्यादा खाई थी ना बेटे चुप जा चुप यार मत हंस ना, मर जा मर हंस हंसते मर भी जाते पता दर्द होता पेट में। क्यों किस बात पर चाहे वो अपनी बात पर हंस गए यार। चट्टी बंद बुलाने कल से है ना, कल से चट्टी बनाना बंद। अच्छा अच्छा कौन सी बात हो गई थी क्या हो गया पूजा अपन तू बाहर जाए यार हटा तू बाहर जा तू एक बार बाहर जा रुक जाएगी यार सच में रुक जाएगी यार तू एक बार बाहर चला जा ना थोड़ा घूम के यार रुक जाएगी ऐसी ये पानी नहीं पीगा यार।
बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जब पानी वानी पी गया रुक जाएगी फिर जा। जब हल्ला काट रहा सही में चढ़ गया इसको। पहली बार